जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है भारत माता की जय के साथ। भारत माता की जय के साथ आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए अग्निवीर मॉक टेस्ट सीरीज। अग्निवीर मॉक टेस्ट सीरीज आर्मी जीडी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज। रात के 8 बज चुके हैं, रोजाना की तरह हम आज भी फिर से क्लास लगाएंगे जो कि आर्मी मॉक टेस्ट सीरीज होगी। आर्मी का जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो हम लगाने जा रहे हैं और आपने जो है हमारे साथ बनना है इसी चैनल पे विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन पे और साथ में हमारे यूट्यूब और फेसबुक हैंडल पर भी। और सभी अपने जब भी क्लास लगाएं तभी जय हिंद का नारा लगाएं और जय हिंद के नारे के साथ जो है इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर जाए कर दें। और फटाफट जो है हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपना अपना सभी जो है वो आंसर देंगे, बहुत बढ़िया से आंसर देंगे जी। पहले प्रश्न से जो है वो स्टार्ट करता हूं मैं। पहला प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन पे, फटाफट अपना अपना कमेंट करते जाइए और हमें आंसर जो है वो अपने अपने जो है वो देते जाइए। पहला क्वेश्चन आंसर बताएं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दें प्यारे बच्चों। सभी अपना अपना आंसर जो है वो साथ साथ में दीजिएगा और बताएं साउंड कैसी है। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो पहला राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव अगर किसी ने लड़ना है तो उसके लिए कितनी मिनिमम एज चाहिए है, बताएं। मिनिमम एज टू रिक्वायर्ड टू द कॉन्टेस्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 28, 35, 30 and 25 years। तो अपना आंसर जरूर बताइएगा। सुमन जी आ गए हैं हमारे साथ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी आंसर दीजिएगा साथ साथ में दीजिएगा, करेक्ट आंसर रहेगा डी। तो मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा के लिए जो है वो है 25 वर्ष और दूसरे के लिए है आपकी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है के लेखक कौन है। हु वॉज द रिटन इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है बच्चों, सभी आंसर दीजिएगा। वंदे मातरम किसने लिखा है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। रात के 8 बज चुके हैं। प्रेमचंद, शरचंद्र या वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर। अपना जल्दी से आंसर करिएगा। ए बी सी डी चार ऑप्शंस दी हैं प्यारे बच्चों, चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा साथ साथ में बेटा। समय समाप्त, सी ऑप्शन वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो ये वंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा होता है, कई जगह चट्टोपाध्याय लिखा होता है, वो आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, विश्वनाथ आनंद डैश खेल से जुड़े हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं ये विश्वनाथ आनंद। अब बताएं किससे जुड़े हैं, हॉकी, चेस, कुश्ती यानी कि रेसलिंग और टेबल टेनिस। जल्दी से आंसर करें। वंश कुमार आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन के साथ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। चेस के साथ, चेस जो है वो इसका सही आंसर है। शतरंज से जो है विश्वनाथ आनंद जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस है इस गेम में। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस देश की है। अभिषेक कटोच दे रहे हैं यूएसए के साथ जा रहे हैं। सभी अपना अपना आंसर कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा ये चेस का आंसर दे रहे थे अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटा। अनीश ठाकुर बी के साथ जा रहे थे, दीजिएगा अपना आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है बेटा, ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, चाइना के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया सुमन, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, चाइना की सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या विश्व में
सबसे ज्यादा नंबर पर है, पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत की है। विजय घाट किस राज्य में स्थित है? विजय घाट किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? आंसर साथ में दीजिएगा, विजय घाट किस राज्य में स्थित है? सभी आंसर करें साथ साथ में। विजय घाट दिल्ली में जा रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया। दिल्ली के साथ जितने भी बच्चे गए हैं, बहुत बढ़िया आंसर है आपके दिल्ली। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना आंसर जो है वो सोचें और कमेंट जरूर करें, कमेंट करिएगा दिल्ली। अगला सवाल, 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ था? जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उसकी आजादी के लिए कौन से देश आपस में भिड़े थे? जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया जी, बौद्ध राज भी आए हैं हमारे अनीश ठाकुर, सुमन और अभिषेक कटोच, अनीश ठाकुर, बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा शांत नहीं बैठना है, भारत माता के लिए आए हैं हम, भारत माता के लिए ही जिएंगे। फटाफट अपना आंसर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, बांग्लादेश को हमने अलग करवाया था, वो भी पाकिस्तान से। और अब हम जो है वो पीओके को भी वापस लेकर आएंगे। बेटा आप सब पीओके के लिए जो है काम करेंगे, और जितने भी हमारे होनहार युवा भी जो आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं, वो पीओके का भी सपना रखना, और हम पीओके को भी वापस लेकर आएंगे। फटाफट अपनी तैयारी करिए कि हम आर्मी में जाएं और हम भारत के लिए कुछ करके दिखाएं। तो फटाफट जो है आप तैयारी करें। चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? सही विकल्प चुनिए। चांद पर सबसे पहले, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून? कोलंबस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ट्रिन या माइकल कॉलिस? जल्दी से अपना आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, पुरी में रथ यात्रा निकलती है हिंदू देवता, तो वो कौन से हिंदू देवता है जो कि पुरी उड़ीसा की बात की जा रही है, जिनकी यात्रा निकाली जाती है, वो कौन से हिंदू देवता है बताएं? राम, शिव, विष्णु, जगन्नाथ? मोहित सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, शिव के साथ जा रहे हैं। सभी अपना आंसर करिएगा मोहित। बहुत बढ़िया बेटा अनीश ठाकुर, बौद्ध राज, बहुत बढ़िया। सभी आंसर के साथ साथ में करिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ में प्यारे बच्चों। तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है जगन्नाथ में, जगन्नाथ पुरी जगह का नाम भी, और साथ में उड़ीसा में है ये। नेक्स्ट, बिजली का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने, वॉकिंग ने, लियोनार्ड द्वारा द विसी, विजामिन या किस, विजामिन फैंकिन, फैंकलिन? तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, क्योंकि मैं यहीं पे अड़ा था तो मैंने सोचा फिर वही आंसर बता भी देता हूं। बहुत ही बढ़िया आंसर, सभी का आंसर बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट, पेस मेकर इज एसोसिएटेड, पेस मेकर का संबंध किससे है भैया? जल्दी से आंसर दे दो। गुर्दा, मस्तिष्क, कान और हृदय, हार्ट? जल्दी से आंसर करिएगा, अपना अपना आंसर करिएगा। सवाल नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं, पूरे 50 क्वेश्चन लगाएंगे प्यारे बच्चों। साथ साथ में बनो, साथ साथ में बनो और साथ साथ में प्रैक्टिस करो कि हम रोजाना इस प्रकार से जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर पाए और अच्छे से बताएं। आवाज कैसी आ रही है जरूर बताइएगा, आवाज अच्छी है कि नहीं है, अच्छे से क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी, हृदय। हृदय जो है वो बिल्कुल सही है, उसको पंप करने के लिए पेसमेकर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्या हो सकती है? अभी तक जो है लोकसभा में अब सदस्यों को बढ़ाने की बात की जा रही है, पर अभी तक कितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या को हम बढ़ा सकते हैं या कितने सदस्यों को बुला सकते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, 552।
552 व्यक्तियों को जो है हम कुल सदस्य संख्या है जो टोटल टोटल हम बुला सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलघाट बाघ संरक्षण कहां पर स्थित है, ओडिशा, कर्नाटका, असम या महाराष्ट्र। इनमें से चार ऑप्शंस हैं, बताएं कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी कि जहां पर मेलघाट बाघ संरक्षण के लिए अभयारण्य है, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है महाराष्ट्र। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बताएं। 14 नंबर सवाल पर आप पहुंचे हैं। द कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका इज, क्या होगी साउथ अफ्रीका की कैपिटल, लंदन, मैक्सिको, न्यूयॉर्क या कैपटाउन। करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, कैपटाउन। बहुत बार इंपॉर्टेंट ये राजधानियों से जुड़े हुए सवाल हैं बच्चों, बहुत बार पेपर में आते हैं, तो आपने ये लगाने हैं और इनको याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, राकेश शर्मा, विक्रम अवालाल, रवीश मल्होत्रा या नागपति भट्ट। तो सभी आंसर कमेंट करिएगा साथ साथ में, सभी साथ साथ में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो है ए ऑप्शन, पहला भारतीय जो था वो था राकेश शर्मा 1984। अगला सवाल, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म में से गलत संख्या को तलाश करो। इनमें से कोई एक गलत संख्या है, वो कौन सी है, उसे तलाश करना है प्यारे बच्चों। जल्दी से अपना आंसर जो है वो साथ साथ में दीजिएगा, सभी सोचिएगा आंसर साथ में दीजिएगा, फिर सोच समझ के आंसर जो है वो दीजिएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा जो भी दीजिएगा, तो फटाफट जो है हम आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन दे रहे हैं, ट्राई करिएगा जी, ट्राई करिएगा। बहुत बढ़िया सुमन, सुमन बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप, बहुत ही अच्छे। तो इसमें क्या बन रहा है, यहां पर देखिए ये जो सीरीज है वो यहां से यहां तक देखिए, ये कितने तक की आ रही है, ये आ रही है आपकी, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6-6 जीरो हो गया, 3-1 4, 1 आ गया, 2-1 3, 1 आ गया और इससे भी 1 आ गया। इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 0 आ गया, 4 के बाद 5 है, 3 के बाद 4 है, यानी कि 1 आ गया, ठीक है, इसमें भी 1 हुआ ना, 2 के बाद 3, 1 आ गया, यानी कि सबकी जो सीरीज है 1110 और 1110 बन रही है। तो इसका मतलब आपको अगला डिजिट कैसे आएगा, अब देखो यहां पर 6 है, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, तो लास्ट में ले लो 6, ठीक है जी, सब में 6 ही है। उसके बाद देखो जी 3 के बाद 4 है, ठीक है, यानी कि एक स्टेप बढ़ रहा है। 8 के बाद क्या होना आता है, 9, ठीक है जी, 6 के बाद कौन आता है, 7, और 5 के बाद कौन आता है, 6, ठीक है जी, 4 के बाद 5, हाँ 6-7-9-6 बन रहा है। सोचिएगा सोचिएगा, ऑप्शन नहीं मैच हुई है, ऑप्शन मैच नहीं हुई है, ऑप्शन नहीं मैच हुई है प्यारे बच्चों, ट्राई करिए ट्राई करिए, कोई तो ऑप्शन होगी,
जो यूनिक बनाएगी इसको। देखिए छे छे जीरो हो गए, छे के बाद सात आठ, यहां पर देखो ना दो आ रहा है, ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है, छे ये आ गया, ठीक है जी, छे क्या आ गया, सात आठ है, फिर इसके बाद यानी कि यहां से रिपीट हुई है तो यानी कि आगे भी चलेगी, तो आठ ये आ जाएगी। क्लियर है इतना सबको, ठीक है जी। अब उसके आगे पांच छ, पांच और छ, यानी कि आपका आगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही चल रही है। पांच छ आठ छ, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट इमारत डैश पत्र, सभी आंसर कमेंट करिएगा। सभी दीजिएगा, ईंट से हम इमारत बनाते हैं, ठीक है। तो अब वर्ड है और यहां पर अल्फाबेट है, तो वर्ड जो होते हैं उनसे हम पत्र बनाएंगे। वर्ड समझ रहे हैं, शब्द, और अल्फाबेट अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो अल्फाबेट जो है वो हमारे ए बी सी डी हो गए, और वर्ड से जो है वो हमारा पत्र बनता है, ठीक है जी। तो इसलिए हमारा जो है वो वर्ड ऑप्शन जो है वो सही रहेगी, ए ऑप्शन। मैं फ्रेज दिया है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्यारे बच्चे, ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी। अगला सवाल, बाउल कटोरा चम्मच गुलदस्ता थाली, इनमें से भिन्न को बताएं। कटोरा चम्मच थाली, तो इसमें से अलग कौन सा है, वो है गुलदस्ता। गुलदस्ता जो है वो अलग है, और सारे के सारे जो हैं वो हमारे किचन के सामान हैं, ठीक है जी। पहाड़ी गेमर्स, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, अरुण ने कहा ये लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। अरुण ने कहा कि मेरी जो मां है, ठीक है, अरुण ने कहा कि अरुण ने क्या कहा है, अरुण ने कहा कि ये लड़की लड़की की बात कर रहा है अरुण, ये लड़की जो है ये मेरी मां की, मां के पोते की पत्नी है, ठीक है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, अगर लड़का बोल रहा है कि ये मेरी मां के पोते की लड़की है तो उस लड़की से उसका क्या रिश्ता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हां बिल्कुल, ससुर, फादर इन लॉ, क्या आंसर रहेगा, फादर इन लॉ, क्योंकि वो पोता है, कौन है, पोता है, ठीक है जी, उसकी बात कर रहे हैं। और लड़की जो है, ठीक है, जो गर्ल है वो उसकी पत्नी है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड का है, कोड हर बार आता है, कोड को भी आप लर्न रखिएगा, कोड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए पी ए एल ई, इसका दिया है 2 1 3 4, अर्थ ई ए आर टी एच, अर्थ का दिया है 4 1 5 9 0, पल का निकालना है पी ई ए आर एल। अब यहां पर देखिए पी, पी का कोड दो, ये रहा, ठीक है जी, ई का कोड
चार, ठीक है जी, ये भी चार है, यहां पर भी चार है। ए का कोड वन, आर का कोड पांच और एल का कोड तीन। देख लीजिए आंसर कहां पे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे मैच किया है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, दृष्टि भ्रम कौन सा है, दृष्टि भ्रम जो है वो कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। दृष्टि भ्रम यानी कि आपका ये हमारा अब जो है वो जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इल्यूजन, इंद्रधनुष, मिराज या हैलो या अर्थ शाइन, चांदनी, यानी जल्दी से आंसर कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो कि आपके लिए लेकर आए हैं, और अभी हमारे 20 मिनट हुए हैं और 20 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर है वो है आपका मिराज, एल्यूजन के लिए होता है। जैसे कि गर्मियों में, जैसे आजकल गर्मियां पड़ रही हैं, तो आप देखेंगे कि सड़क पर पानी गिरा है, दूर अगर स्ट्रेट वे में होगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो दूर हमें ऐसे लगेगा पानी गिरा है, वो इल्यूजन है पर होता नहीं है। इसी प्रकार से डेजर्ट की बात करें वहां पर भी यही इल्यूजन दिखाई देता है वाटर का, और इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है, खारा पानी, पारा, पेट्रोल या ताजा पानी, सबसे कम लो डेंसिटी किस लिक्विड की होती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्यारी सी मुस्कान और प्यारा सा लाइक भी इस वीडियो को लगाइएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। करेक्ट आंसर रहेगा वो है सी ऑप्शन, पारा, मरकरी, मरकरी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, रतौंधी भोजन में डैश की कमी से होता है, यानी कि रतौंधी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, ए डी बी सी, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है डी, ए ऑप्शन, यानी कि विटामिन ए, यानी कि डी ऑप्शन है और विटामिन ए है, नाइट ब्लाइंडनेस केस है ये। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे तो लगता है ऑक्सीजन ही होगी भैया, है ना, आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं तो भैया हमें लगेगा कि हर जगह ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा होगी। जल्दी से बताएं कि मौसम में सबसे ज्यादा यानी कि वायु में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो सही आंसर जान लेते हैं वो है आपका सी ऑप्शन, नाइट्रोजन। 78% 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% आपकी जो है वो ऑक्सीजन है बच्चों, और अदर आते हैं फिर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के जहर का रासायनिक नाम लिखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रैट पॉइजन का केमिकल नेम बताना है, पेपर में आता है जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फेट, लेड नाइट्रेट या पोटाशियम साइनाइड, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दो भैया, जल्दी से आंसर कर दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस और रोजाना लेकर आते हैं, इसी प्रकार से हम रोजाना लेकर आएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में कि वो भी तैयारी करें, और अग्निवीर का अपना डिफेंस में, भारतीय सेना में अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित करें। साथ में आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जिंक फॉस्फेट, बी ऑप्शन जिंक फॉस्फेट इसका सही आंसर। अगला सवाल, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, एप्पल है, फिश है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, तो सही ऑप्शन है फिश, मगर सबसे ज्यादा मैं बता देता हूं प्रोटीन जो है वो
सोयाबीन में होती है। कहां पर होती है बच्चों? सोयाबीन में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। फिर दालें या ऑप्शन आए तो दालें लगाना, फिश बाद में लगाना, ठीक है। एक मानव कोशिका में डैश गुण सूत्र पाए जाते हैं, हाउ मेनी ह्यूमन सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। 46, 48, 44, 26 बताएं जल्दी से, अपना आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो है 46 और 23 जोड़े पेयर्स भी बोल सकते हैं। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स डैश में होती हैं, हार्ट, लीवर, लेफ्ट नोड्स या बोन मैरो, हड्डियों के सार तत्व में, जल्दी से बताएं आंसर, बताएं रेड ब्लड सेल्स कहां पर होते हैं। सही आंसर देख लेते हैं, वो है हड्डियों के सार तत्व यानी कि बोन मैरो। नेक्स्ट सवाल, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? अब ये मत बोलिएगा धुआं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या लीवर भी लिख दिया है, देखिए ऑप्शंस भी क्या क्या आ जाती हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों। सही आंसर देख लेते हैं, ए धुआं। धुआं कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सा धुआं है? कार्बन डाइऑक्साइड का। बीट्स ऑफ हार्ट, बहुत बढ़िया स्टूडेंट माय डियर। किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? अपना आंसर करिएगा प्यारे बच्चों, डेमेजेटिक टाइज अ मैग्नेट। तो चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं या पानी में रखते हैं, या चुंबक में हथौड़ा मारना, या चुंबक के संपर्क में रखना, लोहे के संपर्क में रखना। सही आंसर रहेगा वो है सी, चुंबक में हथौड़ा मारना, यानी कि उसके ऊपर पीट पीट के उसका वेट जो है, यानी कि जो चुंबक तो है वो कम किया जाता है। अगला सवाल जो कि मैथमेटिक्स का है, तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। जल्दी से आंसर करिएगा, सॉल्व करिएगा। दम है तो लगा दो, दम है भैया, दम है तो लगा दो, सभी लगा दो आंसर के लिए, दम लगा दो प्यारे बच्चों। सबसे पहले बोर्ड मास है, 5 और 2 7 हो गए, तो 3 7 1 7 ये 21 भी हो गए, और यहां से 2 बच गए, और 3 2 5 और 21 में से 5 गए तो 15 हो रहे नहीं। जल्दी से अपना आंसर ट्राई कर लीजिए, आप अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करिएगा। अच्छा 5 2 7 हुए, ये देखो
है ना, बटा 10, जीरो से जीरो क्या है, यानी कि 35 जमा 2 यानी कि कितने, 3 कितने हो गए, माइनस के 32, और माइनस के 32 हो गए, तो ये रहा आपका डिस्काउंट 32, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बेटा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी। अगला सवाल, 75 डिग्री के कोण में कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो आपको रेडियन एंगल का फॉर्मूला याद होना जरूरी है कि एंगल या आप थीटा लिख लो इंटू पाई ओवर 180 के इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, पाई इंटू 180, तो 75 इंटू पाई ओवर 180, देख सकते हो आप पाई पाई में ही लिखा है, इसी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। अब काटे आप 5 से, तीन से चलाएगा, तीन पहले 15, 12, पाई पाई बाय 12। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन मिल रही है, ए ऑप्शन मैच हुई है बच्चों, और बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 12 और 30 का तृतीय अनुपात और 9 तथा 25 का मध्य अनुपात के बीच अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात यानी कि मिडल प्रोपोर्शन दोनों का निकालना है। पहले तृतीय अनुपात का फॉर्मूला आ गया बी स्क्वायर ओवर ए, और ये अनुपात आ गया, और मध्य अनुपात का होता है अंडर रूट ए बी, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर ओवर 12, और यहां पर आ जाएगा आपका 9 गुणा 25, इसका 3 और ये 5, तृतीय 900 बटा 12, 3 चौके 12, 3 तीय 9, 0 0 4 से चलेगा, 4 दुनी नहीं, 7 चौके 28, 7 पंजे ये ठीक है जी, तो 75 ये आ गया और 15 ये आ गया, सभी साथ साथ में कर सकते हैं, 5 से 15 नहीं, 3 से काट, 5 से काटिए, 5 से 15, 5 से 5, 5 पंजे 25, कितना आ गया, 1 5 1 5 1, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रही है भैया, सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है, 5:1, 5:1 बिल्कुल सही बेटा, जयंत बेटा बहुत बढ़िया, रश्मि यादव बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाता है आपका सवाल, ट्रेन से जुड़ा हुआ है, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब रेलगाड़ी की जब चाल ज्ञात करेंगे तो बेटा ये हारी है आपकी, देखिए एक ये रेलगाड़ी है 140 मीटर लंबी है जो कि किसी पोल को 12 सेकंड में पार कर रही है, कितनी देर में पार कर रही है, 12 सेकंड में पार कर रही है। अब ये इसको कितनी देर में पार करेंगे, तो डिस्टेंस हो गया आपका 140 मीटर, समय दिया है इन्होंने 12 सेकंड का। अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम बराबर होता है, तो 140 बटा 12 का मतलब हुआ मीटर पर सेकंड, क्या हुआ मीटर पर सेकंड इसको, और हमारे पास ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए 18/5 कर लेंगे, कितना कर लेंगे बच्चों, 18/5 कर दीजिए डायरेक्ट, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 0 और 5 से काट दीजिए, और टोटल टोटल आपका 12 किलोमीटर पर आवर, 12 अच्छा 12 तीय 36, 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, 12 तीय 36, 12 तीय 36 बच्चों, 12 तीय 36 आ रहा है, ऑप्शन नहीं है, 36 बनाया है, देखिए देखिए कहीं मिस्टेक हो गई है यार, फिर से करके देख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, देखिए 140 ये आ गया,
ठीक है ओवर 12 ये आ गया, टाइम दिया था 12 है ना, 12 सेकंड दिए कितने दिए हैं, 12 सेकंड दिए ना, ठीक है जी। और 18/5 मैंने बताया आपको करने को, 18/5 ठीक है, मैंने 6 से काटा, 6 × 12 6 × 18 2 × 2 2 × 7 14 जीरो ही आ गया, 5 से काट दिया, 5 × 1 5 5 × 20 अच्छा तो 14 × 42 ये होना था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, 5 कर दिए थे, सॉरी 2 कर दिए थे, 5 × 10 तो गलत हुआ था, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पहले अगला सवाल, रोजाना आइए हमारे साथ 8 बजे अपना भविष्य बनाने के लिए, खुद के लिए आइए, हमारे लिए नहीं, भविष्य बनाने के लिए आइए अपने साथ। औसत दिया है 25 और इनका x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज जो होता है वो सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर टोटल क्वांटिटीज के इक्वल होता है। तो आपका एवरेज कितना दिया है 25, सम ऑफ द क्वांटिटीज 40 10 25 20 35 x, टोटल क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 6 यानी कि 25 को 6 से गुणा कर दीजिए, जल्दी से जल्दी करिए भैया, 25 × 100 4 आए ना, 2 और आ गए यानी कि 150, ठीक है जी। कितना आ गया जी, 40 50 70 70 70 में 30 डाले 105, 105 में 25 डाले 130, 130 ये साइड के माइनस किए तो x की वैल्यू कितनी आई, 20। x की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 20 आ रही है, 20 आ रही है। आपका क्या आंसर मैच हो रहा है, अपना आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर लो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला सवाल, ये वर्क एंड टाइम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, 20 आदमी किसी काम को 39 दिन में करते हैं तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही इजी सवाल, M1 T1 D1 over W1 होता है क्या दोस्तों, M2 T2 D2 over W2 होता है, ठीक है। तो 20 आदमी किसी काम को 39 दिन में करते हैं, काम नहीं दिए तो हम नहीं लिखेंगे नीचे, 26 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो D2 निकालना है। 13 × 39 13 × 26 2 से कर दिया 10 आ गया यानी 30 दिन। बेटा कैलकुलेशन जो है ना आपको अपनी जो है वो दौड़ानी पड़ेगी, कैलकुलेशन सोच रहे हो कि सब करेंगे तो सब की कैलकुलेशन से थोड़ी है, आप समय देखो, घड़ी चल रही है, पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा, आपको स्पीड बनानी है, स्पीड बनाने के लिए मैं ये डेली लेकर आ रहा हूं और आपके लिए मैं खुद लेकर आ रहा हूं सब क्लासेस रोजाना, बस स्पीड बनाओ मेरे साथ। क्लियर है क्वेश्चन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बहुत अच्छा आंसर बेटा। अगला सवाल, 3 × 33 × 333 × 3333 वाह क्या सवाल है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 3 × 33 333 3 3 3 3 4 अब 5 बार 3 3 3 3 और ये 3 5 3 3 6 3 9 3 12 1 13 3 3 6 3 9 1 10 3 3 6 1 7 और 3। तो यहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ए आर मैच कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा है, मैच हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बेटे ए जो है वो मैच कर गया है, ए से हमारा आंसर मैच कर रहा है, डी से नहीं, डी तो आएगा क्यों फिर। अगला सवाल, अगला सवाल चला रहे हैं, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट 15129 आपको सिखाया है
दो का पेयर, सबका पेयर, उसको क्रॉस करना, ये किसके टेबल में आता है, थ्री और सेवन। अब इसको देखिए, ये है 151, किसके नियर आ रहा है, 12 के नियर आ रहा है, क्योंकि 12 12 144 होते हैं और 13 13 169 बड़े हो गए, तो 12 के नजदीक। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन सही है, देखिए 127 ऑप्शन ही नहीं दिए, तो मैं तो जल्दी से 123 पे ही डांस करूंगा ना मेरे भाई। मगर बच्चों मैं एक बात बता देता हूं, फिर भी हमें एक्यूरेट आंसर निकालना हो तो 12 के बाद आता है 13, इन दोनों को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 × 6 और 5 और 1 156, और ये वैल्यू जो है वो छोटी है, तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगी। अगर यही वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जाती तो हम बड़ा वाला ले लेते, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल लेते हैं। अगला सवाल बार रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, देखिए बार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बार का मतलब कोई डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सही आंसर क्या रहेगा, तो इसमें करेंगे क्या, 1 प्लस होता है 27/99, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, तो एलसीएम लेंगे 99 प्लस 27/99, तो कितना आ गया, 126/99। सिंपल सी हवा हवा हो गई क्वेश्चन में, और समय हमारा अभी तक भी बहुत सा पड़ा है, और यहां पर अभी भी 15 मिनट पड़े हैं, अभी 45 मिनट हुए हैं क्लास को लगे हुए, 45 मिनट में आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। जल्दी से अगला क्वेश्चन एचसीएफ से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये कुछ यहां पर मिसिंग मार गया है, क्वेश्चन कुछ मिस हो गया है आपका, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन मिस हुआ है, क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन कुछ नहीं था, 3/9, 8/9, 64/81 और 10/27, इसका एचसीएफ निकालना था और कुछ नहीं था, एचसीएफ निकालना था। अब कैसे निकालेंगे, जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ का क्या फॉर्मूला होगा, एचसीएफ का होगा एचसीएफ ओवर एलसीएम, क्या होगा, एचसीएफ ओवर एलसीएम, और अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ओवर एचसीएफ, यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ डिनोमिनेटर। तो इसके केस में आपको क्या पूछा है, एचसीएफ मोस्ट, तो ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ देखिए 3 आ चुका है, और 3 ये ऐसा डिजिट है जो कि किसी के भी टेबल में नहीं आता, इसलिए एचसीएफ 1 आएगा, इसका कितना आएगा 1। अब नीचे वालों का एलसीएम लेना है तो 9 81 सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए 1/81 बी ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, 1/81 आंसर बन जाएगा इस प्रकार से, और यही आंसर है। अगला सवाल जल्दी से अपना आंसर करिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, बच्चे तो खुश हो गए थे, डायरेक्ट यहां पर तो आंसर ही क्वेश्चन ही मिस हो गया, 5 × x 5x हो गया, 12 × 40, 5 से गुना कर दो, 5 × 5 = 40, 96 12 8 96, डी ऑप्शन सही ऑप्शन, डी ऑप्शन सही ऑप्शन बचा, बिल्कुल सही ऑप्शन, नॉर्मल से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन श्रेणियों से जुड़ा हुआ है, और दी गई श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, दी गई श्रेणी में अगली संख्या निकालनी है, देखिए 2 5 आ रहा है, 5 के बाद सीधा यहां पे 12 आ रहा है,
यानी कि 5 को अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 10 होते हैं, और जमा 1 किया तो कितने हो गए 11। 11 को अगर हमने 2 से गुणा किया और जमा 2 किए तो 11 दूनी 22 और 22 में 2 डाले तो कितने होंगे 24। ऐसे 24 को अगर हमने 2 से गुणा किया तो कितने होंगे 48। 48 में 3 डाले तो 51। 51 को 2 से करो तो कितना हुआ 502। 2 में 4 जमा हुए तो कितना हुआ 106। 106 को अब डबल कर दो, 106 का डबल हो गया जी 212। 212 में कितने प्लस होंगे 5, तो कितने होंगे 217। 217 आंसर होगा सी ऑप्शन। देखो बहुत ही उम्दा सीरीज बनी है, इस प्रकार से आपको सीरीज पूछी जाएगी पेपर में, और डेफिनेट आप जो है इस क्वेश्चन को करके आएंगे और हमारी तैयारी जो है वो सबसे अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन, ये भी संख्याओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। 2 के बाद 3 है, 10 है, 15 है, 26 है, अगला क्या आएगा? देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस 1 है इसलिए 2 बना है। 2 का स्क्वायर मैं बोलूं 2 है तो नहीं बन रहा है। अब बनाइए, अगर ऐसे ना बन रहा है तो कैसे बन रहा है, सोचने वाली बात है। 2 का स्क्वायर मैं 4 बोलता हूं माइनस 1 तो 3 बन गया। चलो अगला देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 प्लस हुआ तो 10 हो गया। 4 का स्क्वायर 1 16 हो गए, माइनस 1 हुआ तो 15 हो गए, बिल्कुल सही। एक बार प्लस बन रहा है एक बार माइनस, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस 1 26 हो गए, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 होगा 36, यानी कि 35। कितना होगा 35, ऑप्शन ए ऑप्शन 35 ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आता है, या ऑप्शन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की को पूरा कीजिए, खाली स्थान पूरे करने हैं तो खाली स्थान पर क्या आएगा सोचिए। सभी सोचिएगा, सभी सोचिए, सभी सोचिए, बहुत ही इजी है। क्यू एस टी आर टी एस और ये क्यू क्या आएगा, आर टी एस क्यू, यानी कि आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है बेटा वो आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में 80 व्यक्ति हैं, यदि राम के बाएं में 18, यदि राम बाएं से 18वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया निश ठाकुर, तो तब राम दाएं स्थान पे क्या है, जल्दी से आंसर करें, आंसर करिएगा जी। मैं बता देता हूं, दाएं बाएं, दाया दिया हो प्लस बाया दिया हो, कोई भी दिया हो, दोनों प्लस करने और माइनस एक कर देना है, ठीक है। वो पूरा का पूरा जो है टोटल स्थान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, टोटल प्लेस के बराबर, ठीक है जी। तो अब निकालिए दाया बाया क्या बोल रहे हैं, दाया राम दाया निकालना है तो दाएं के लिए एक्स मान लिया, बाएं में 18वें स्थान पर है, ठीक है, और कुल व्यक्ति यानी कि कुल प्लेसेस पे कितने हो गए 80, यानी कि x इज इक्वल टू कितने हो 80 माइनस 17, तो x इज इक्वल टू 10 के 17, 70 रह गए, 70 में से 7 गए तो 73 रह गए, 73 नहीं 63, 63 रह गए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। देखा आपने, ना ये फॉर्मूले भी याद रखने अपने जिम्मे, जो ये रीजनिंग के आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचिन सिंह बहुत बढ़िया बेटा, तो 50 नंबर सवाल पर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, किस कैलेंडर के बराबर है, जल्दी से अपना आंसर करिएगा, किस कैलेंडर के बराबर है,
तो 2007 का, अब आपको पता है 2007 है, सात के बाद कौन सा आता है, ये आठ, 2008 आता है, ठीक है जी, ये आया आपका लीप ईयर, ठीक है। अब आठ के बाद गिनिएगा जी, आठ के बाद गिनिए जी कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर बन रहा है, उसके कोड याद होना चाहिए। जैसे एक वर्ष आ रहा है, एक वर्ष का डिफरेंस आता है तो हम 6 प्लस करते हैं, दो वर्ष का आता है तो प्लस 11 आता है, तीन वर्ष का हो तो भी 11 लेना है, चार का हो तो 28 लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्लस करने होते हैं। तो 2007 के बाद देखिए, 2007 है तो सात के पीछे को लेके चलिए, तो हमारा 6 आया, 5 आया, 4 आया, क्योंकि 3 कितना आया, 3, ठीक है, 3 आया ना हमारा, कितना आया, 2, 3 ईयर, ठीक है। तो 2004 और ये यहां पर देखिए 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, फिर आ रहा है 7, तो इन्होंने 7 का पूछा तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का, 3 के केस में कितना प्लस करते हैं, 11, तो 2007 में आपने 11 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, 2018, कितना हो गया बच्चा, 2018, तो ये है क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको आज का भी मॉक बहुत अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का मॉक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए मॉक के साथ, बने रहिएगा इसी चैनल पे, रोजाना मिलेंगे हम मॉक लगाएंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, भारत माता की जय, जय हिंद।